हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बजट वायरलेस ईयरफोन जिसको हमें भेजा है म्यूलो ने। इस ईयरफोन का नाम है वंडरलू 500। म्यूलो एक ऑडियो कंपनी है जो बजट में वायरलेस ईयरफोन और वायरलेस हेडफोन्स बनाती है। म्यूलो का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ तो वो है म्यूज़िक लवर। उसके साथ साथ उनने जो है हमें एक बजट वायरलेस हेडफोन भी भेजा है जिसके बारे में मैं जो है अगली वीडियो में आप लोगों से बात करूँगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो है इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं कि किस तरीके का परफॉर्मेंस दे देता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में मिलता है और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। तो इसका जो है ये पैकेज जो है मेरे पास 2-3 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन मैं इसको यूज़ कर रहा था ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छा रिव्यू दे सकूं। तो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा जो रेड से कलर का दिख रहा होगा, आपको उसको प्रेस करके ग्रे बना देना है और सब्सक्राइब हो जाना है ताकि मैं ऐसी वीडियो जो है आप तक लेकर आता रहूं। तो गाइस, मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techplusgadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फटाफट से इसके बॉक्स को देख लेते हैं। तो गाइस, इस तरीके की पैकेजिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पे इमेज बना हुआ है ईयरफोन का, वंडरलू 500, म्यूलो की ब्रांडिंग है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 लिखा हुआ है, तो यस, ये ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है। बैक साइड से भी आपको थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन रीड आउट करूँ तो गाइस, इसमें लिखा हुआ है ब्लूटूथ 5.0 वर्जन को सपोर्ट करता है, 10mm का इसका स्पीकर ड्राइवर है। उसके साथ साथ ये 138mAh की बैटरी इसमें है और IPX7 को सपोर्ट करता है। वॉइस असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मतलब गूगल असिस्टेंट और सीरी वगैरह को जो है आप इसमें इनेबल कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको खोल के देख लेते हैं। तो गाइस, इस तरीके की एक और बॉक्स जो है हमें इसके अंदर मिल जाता है, इसको जो है हम ओपन करते हैं। तो ये रहे म्यूलो के वायरलेस ईयरफोन। तो गाइस, इस तरीके की पैकेजिंग हमें मिल जाती है, इसको पहले हम निकालते हैं, देख लेते हैं इसमें और क्या मिलता है हमें साइड में। तो गाइस, इसमें हमें जो है 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती है, उसके साथ साथ इसमें एक USB केबल मिल जाती है चार्जिंग वगैरह के लिए, और यहाँ पे कुछ मैनुअल यूज़र मैनुअल गाइड वगैरह जो है मिल जाते हैं। तो ये एक वारंटी कार्ड हो सकता है शायद इस तरीके का, और यहाँ पे जो है मैनुअल कार्ड है। यहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी के बारे में जो है बताया गया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फटाफट से जो है ईयरफोन को देख लेते हैं, इसमें से निकाल लेते हैं। इस तरीके का वायरलेस ईयरफोन जो है हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसका मेरा फर्स्ट इंप्रेशन दूँ तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट ये मुझे लगे हैं, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगे हैं, जिसके कारण आपके नेक पे जो है कोई भी असर नहीं होने वाला है। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो है थोड़े टिल्टेड हैं, यानी कि जब आप इसे अपने नेक पे टांगेंगे तो ये फिक्स हो जाएंगे, इधर उधर नहीं होंगे। उसके अलावा लेफ्ट और राइट में आपको जो है 2 बैटरीज मिल जाएंगी। लेफ्ट वाले में आपको यहाँ पे म्यूलो जो है ब्रांडिंग मिलेगी, और राइट वाले में आपको यहाँ पे माइक मिलेगा, और 3 बटन मिल जाएंगे। इन 3 बटन की खासियत ये है कि डिफरेंट फंक्शनैलिटी को ये सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप पावर ऑन ऑफ के बटन को डबल बार प्रेस करते हैं तो आप जो है रीसेंट कॉल कर पाएंगे, और अगर आप वॉल्यूम अप के बटन को डबल बार प्रेस करते हैं तो आप नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले करेंगे। वहीं अगर आप डबल बार प्रेस करते हैं अपने वॉल्यूम डाउन के बटन को तो आप प्रीवियस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी जो है ये 3 बटन दे देते हैं। अगर मैं बात करूँ चार्जिंग की, तो यहाँ पर जो है अलग से पोर्ट दिया है, ये USB पोर्ट है। तो अगर आपके घर में जो भी USB चार्जिंग जो होगा नॉर्मल, वो उसको सपोर्ट करता है और आप उसके थ्रू से चार्ज कर सकते हैं। और ये जो है फ्लैट केबल के साथ आता है, तो वन ऑफ दी फेवरेट केबल है मेरी, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। उसके अलावा ये जो है लाइक उलझते नहीं है, अगर उलझते भी है तो काफ़ी जल्दी ये सॉल्व हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इनके ईयर टिप्स की, तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक ये दे देते हैं, शाइनी सा लुक देते हैं। यहाँ पे दोनों पे म्यूलो लिखा हुआ है, प्रीमियम डिज़ाइन के साथ ये मिल जाता है। और यहाँ पे जो है ईयरबड्स ऑरेंज कलर के फिनिशिंग के साथ आते हैं, तो जो काफ़ी ज़्यादा कूल मुझे लगे हैं। और ये मैग्नेटिक जो है सपोर्ट करते हैं, तो आप इसको जो है अटैच कर सकते हैं मैग्नेटिक टिप्स के थ्रू। तो गाइस, इस तरीके के जो है वायरलेस ईयरफोन हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके डिज़ाइन की। तो गाइस, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका जो वेट है मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट लगा है। उसके साथ साथ इसमें जो है आपको फ्लैट वायर का सपोर्ट मिलता है। पहले भी मैं जो है वायरलेस ईयरफोन यूज़ कर चुका हूँ जिनके वायर जो थे फ्लैट थे, लेकिन उनकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा थिन लगी थी। लेकिन इस वाले की जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि ये जो है थिक आपको वायर मिल जाता है, जिसके कारण इसकी वायर की क्वालिटी जो है अच्छी खासी हमें मिल जाती है। और इसमें जो है आपको वाइब्रेशनल मोटर मिलती है, यानी कि आपके फ़ोन में अगर कोई नोटिफिकेशन या कॉल वगैरह आता है तो इसमें जो है ये वायरलेस ईयरफोन पूरा वाइब्रेट होकर आपको नोटिफाई कर देता है। और ये जो है IPX7 को सपोर्ट करता है, यानी कि वाटर रेजिस्टेंस और इसका स्वेट प्रूफ वगैरह जो है आपको अच्छा खासा इसमें मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ इसके मैग्नेटिक क्लिप की, जो आपके ईयर टिप्स में मिलता है, वो भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन मुझे एक जो इशू लगा है वो ये है कि इसका जो मैग्नेटिक जो है वो थोड़ा सा और हार्ड होना चाहिए था, लाइक स्ट्रॉन्ग हमें मिलना चाहिए था, थोड़ा मुझे लाइट लगा है। उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी जो है ओवरऑल मुझे इसकी बढ़िया लगी है। तो अब बात करें इसकी कनेक्टिविटी,
की, तो गाइज इसमें जो है हमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि लो पावर कंजप्शन। इसका मतलब ये कि इसमें जो बैटरी वगैरह है वो जल्दी ड्रेन नहीं होती है और 10x की स्पीड में जो है ये कनेक्ट हो जाता है, लाइक फटाफट से जो है ये आपके फ़ोन के साथ पेयर हो जाता है। उसके साथ साथ ये जो है CSR चिपसेट को भी यूज़ करता है, तो उसके कारण जो है इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लाइक 10 meters से ज़्यादा की रेंज ये आराम से हमें दे देता है। और ये जो है दो डिवाइसेस के साथ एक साथ कनेक्ट हो सकता है, तो आप दो डिवाइसेस को एक ही हेडफोन से यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। और अगर मैं रियल टाइम की यूसेज की बात करूँ तो मेरा फ़ोन ऑलवेज जो है पॉकेट में रहता है या टेबल पे साइड में रखा रहता है, तो कोई भी मुझे जो है अभी तक कनेक्टिविटी की इशू मुझे फेस करने को नहीं मिला है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी बैटरी लाइफ और इसकी बैटरी बैकअप जो है हमें किस तरीके से मिल जाती है। तो गाइस इसका जो सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगा है वो इसका बैटरी लाइफ ही लगी है, क्योंकि ये आपको बहुत ही कमाल की बैटरी लाइफ दे देती है। इसको मैंने 0% से लेके 100% तक चार्ज किया था, जो कि कम से कम 1 घंटे 45 मिनट में चार्ज हो गया था। उसके बाद इसने म्यूज़िक प्लेबैक टाइम जो है कम से कम 6 से 7 घंटे तक मुझे दिया है। इसमें एक फीचर ऐसा है कि अगर आपका डिवाइस आपके फ़ोन से कनेक्ट है उसके बाद अगर आपके डिवाइस कोई भी जो है कनेक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जिसके कारण आपकी बैटरी बच जाती है। अगर आपको फिर से ऑन करना है तो आपको बस मिडिल वाला बटन थोड़ी देर के लिए प्रेस करना है और वो ऑन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस से पेयर हो जाएगा। तो गाइस बैटरी बैकअप के मामले में ट्रस्ट मी ये काफ़ी बढ़िया है, कम से कम 7-8 घंटे तक की जो है बैटरी बैकअप दे देता है। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इसके साउंड क्वालिटी की, किस तरीके की साउंड क्वालिटी हमें दे देता है। तो गाइस वो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने जो है बोट रॉकर्स 255 को यूज़ किया है, उसमें जो है मुझे बहुत ज़्यादा पंची बेस मिलता था, जिसके कारण मेरे कान में प्रेशर बढ़ता था और मेरे जो ईयर्स हैं वो पेन होने लगते थे। लेकिन इन ईयरफोन को जो है मैं कम से कम 2 दिन से रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जो है आपको बेस मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बेस मिलता है, लाइक स्मूथ बेस मिलता है, जिसके कारण साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको जो है पहन के रख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इतने प्राइस रेंज में इतना अच्छा म्यूज़िक देना। उसके अलावा अगर मैं वोकल्स की बात करूँ तो गाइस वोकल्स भी इसका काफ़ी बढ़िया मुझे लगा है, क्योंकि बेस जो है वो स्मूथ है तो उसके कारण वोकल्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं और जो भी सॉफ्ट म्यूज़िक होता है उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले हो रहा है तो वो हमें अच्छे से सुनाई दे देते हैं। तो गाइस साउंड क्वालिटी के मामले में भी जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। बोट रॉकर्स में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कमी लगी थी, वो थी उसके पंची बेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी बेस था, तो उसको जो है ये ईयरफोन पूरी तरीके से कमी उसकी पूरी कर देता है। तो अब बात करते हैं मेरे ओवरऑल ओपिनियन की कि आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस 1500 की रेंज में ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन इतने अच्छे अच्छे फीचर्स इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रहा है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को पूरी तरीके से रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है, IPX7 को सपोर्ट करता है और इसमें CSR की आपको चिपसेट मिलती है, वाइब्रेशनल मोटर वगैरह है नोटिफिकेशन के लिए, तो काफ़ी कमाल के फीचर आपको मिलते हैं जो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये के जो है ईयरफोन में आपको देखने को मिलते हैं अभी के टाइम पे। तो बढ़िया है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पूरी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा ऑप्शन ये 1500 में निकल के बाहर आया है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो अगली जो वीडियो आने वाली है वो इस हेडफोन के ऊपर होने वाली है, थंडरस्ट्रक 700। इसको मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, इसका मैं एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आने वाला हूँ। उसके साथ साथ मुझे एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देना था कि हमारे चैनल का फर्स्ट गिव अवे होने वाला है, जिसमें मैं एक वायरलेस ईयरफोन एक वायरलेस हेडफोन जो है गिव अवे करने वाला हूँ। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, 1.5 मिनट की ही वो वीडियो होगी, जिसमें मैं स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी स्टेप्स हैं और अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप पार्टिसिपेट कर लेंगे, उसके बाद जो है आप इजीली जो है गिव अवे जीत सकते हैं। अगर मैं आपको स्नीक पीक दूं तो पहला स्टेप तो यही होगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, दूसरा तीसरा जो स्टेप है वो उस वीडियो में आप लोगों को पता पड़ जाएगी और वो जो वीडियो है इस हफ्ते ही आने वाली है। तो स्टे ट्यून विद अस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो जो है आप तक सबसे पहले मैं ला सकूं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।